चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो आज जिस मेहमान से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, आइए उनकी खासियत आपको बताते हैं। अगर आप परेशान हैं तो इनके मजे हैं, अगर आपका कहीं झगड़ा हो गया है तो भी इनके मजे हैं, और अगर कहीं तलाक हो गया है तो दुगने मजे हैं। यानी कि अगर आप परेशान हैं तो बस इनके मजे ही मजे हैं। ये है एक लायर। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर लायर सुच्चा सिंह जी। लायर लायर में तो झूठा होता है, सॉरी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर लायर सुच्चा सिंह जी। मिलाड तो ये है वादी की वकील। ओ मैडम, सिर्फ सुंदर होने से केस नहीं लड़ा जाता, केस के लिए लड़ने के लिए तो दिमाग की जरूरत होती है, दिमाग की। सुच्चा सिंह जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। देखिए, आप यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, ठीक है? ये कोई अदालत नहीं है और ना ही कोई पैरवी करने के लिए आए हैं आप। देखिए वो सामने कैमरा है ना। आई एम सॉरी मैडम, दरअसल मैं अपने केसों में इतना बिजी रहता हूँ, मशरूफ रहता हूँ। मशरूफ समझती है? उर्दू है। तुम आजकल की जनरेशन क्या समझोगी? मशरूफ रहता हूँ कि मेरे को ध्यान ही नहीं रहता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अच्छा। एक्चुअली कई बार बहुत टेंशन जब होती है दिमाग में तो इंसान का ऐसा ही हाल हो जाता है। खैर, एनीवेज, हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बार बार स्वागत ही करती रहेगी, एक दफा हाथ डाल देती से अम्मा ही मुक जाता। एनीवेज, हम सवालों का सिलसिला शुरू करें। तू मुझसे नहीं पूछेगी, सवाल मैं पूछूंगा। तू हाथ रख के कह, इस पे हाथ रख के कह, जो कहेगी सच कहेगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहेगी। मिलाड, ओए खाना, ओए खाना कुड़िए, ओए कसम खाने में इतनी देर लगता है रोटी ज्यादा खा गई है। हुजूर, मिलाड, अब कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, ये लड़की मुजरिम है, इसको 7 महीने की फांसी की सजा दी जाए। सुच्चा सिंह जी, ना ही अदालत है और ना ही मैं मुजरिम हूँ, यहाँ आपसे मैं सवाल पूछूंगी। मैं ओए व्हाट डू यू मीन लड़की, सवाल तू पूछेगी मैं जवाब दूंगा, यानी कि मुझे कसम खानी पड़ेगी, वो भी सच बोलने की। नो। ओ भाई, मैं तो सच बोल ही नहीं सकता, मेरे को तो सच बोलने की आदत ही नहीं है। सुच्चा सिंह जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये स्टूडियो है, अदालत नहीं, यहाँ आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, बस आप सच बोलने की कोशिश कीजिएगा। ओ तू देखी जा कुड़िए, देखी जा, इसका मतलब मैं टीवी पर देखूंगा। आई विल सी ऑन टीवी। ओके, दुनिया देखेगी कि सुच्चा सिंह कैसे साफ साफ सच बोलता है। सच्चाई से सच या झूठ, और मेरा मतलब है झूठा सच। अब आप देखो जी मेरा कमाल। तो सुच्चा सिंह जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्या आपका सपना था बचपन में कि आप वकील बनेंगे? ओ दर्शको, आई डोंट सी ड्रीम प्रीम, ये सुपना वुपना मुझे देखना नहीं आता। ओ दरअसल वो एक कहावत है ना हिंदी की, पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं। जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, मैं मुजरिम और वकील का खेल खेला करता था। आपका मतलब है कि बचपन में आप वकील और मुजरिम खेला करते थे, राइट? देखो लड़की, मिलाट, जब एक समझदार आदमी पैरवी कर रहा हो, बोल रहा हो, तो बीच में टोकना नहीं चाहिए, समझी के नहीं? ये मतलब नहीं, तू सुंदर है तो हम तुझे देखते रहेंगे बोलते हुए। बहुत देखी है सुंदर तेरे जैसी, तुझ पे मैं मान हानि का दावा कर दूंगा, 50 लाख रुपए का मिलाट। राइट। सुच्चा सिंह जी, जब आप छोटे थे तो... जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं बात बात पे झूठ बड़ा बोलता था, और इतना एक्सपर्ट था मैं, इतना एक्यूरेट झूठ बोला करता था कि कोई जान ही नहीं पाता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा, यानी कि आपके घर वालों को पता ही नहीं लगता था? ना, नहीं पता लगता था, पर रब उनको स्वर्गों में वासा करे, मेरे पिताजी जरूर पहचान जाते थे कि ये जो है ना, ये झूठ बोल रहा है। तो आपके पिताजी बहुत दुखी होते होंगे कि आपको बचपन में आदत पड़ गई झूठ बोलने की। ना, मेरे पिताजी मिलाड बहुत खुश हुआ करते थे।
डोंट टेल मी, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई बच्चा झूठ बोलता हो और उसके पिताजी खुश होते होंगे। आई जस्ट डोंट बिलीव। दरअसल मेरे फादर ने, मेरे पिताजी ने मेरी यही आदतों को नोट करके मेरे फ्यूचर के बारे में कह दिया था कि ये मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत बड़ा वकील बनेगा। राज सुच्चा सिंह बहुत बड़ा वकील है। तो टुच्चा सुच्चा सुच्चा सिंह जी, यानी कि आपके कहने का मतलब है आपके पिताजी ने बचपन में ही अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत बड़े वकील बनेंगे। नहीं, वैसे बहुत अच्छी कैलकुलेशन थी आपके पिताजी की। नो, कैलकुलेशन नहीं मिलोर्ड, एक्सपीरियंस काउंट करता है। एक्सपीरियंस, उन्होंने बहुत ज्यादा दुनिया देखी थी, इसलिए जैसे मैंने भी बड़े बड़े केस लड़े हैं, बड़े बड़े केस लड़े हैं, इसीलिए मैं भी बहुत एक्सपेरिमेंट, मेरा मतलब एक्सपीरियंस हो गया मेरे को। वो ऐसे कि एक दिन मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा तुझे 100 रुपए दूंगा अगर तू 1 मिनट में झूठ बोल के दिखा दे। और फिर क्या था मिलोर्ड, वो 1 मिनट से पहले ही बोल पड़ा, पापा जी आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, अभी अभी आपने 150 रुपए देने का वादा किया था। Nope. मैं समझ गया कि ये बहुत बड़ा वकील बनेगा और वो बन गया। वेरी गुड, यानी कि आप ही की तरह आपका बेटा भी काबिल वकील बन गया है ना। अब एक पिता को और क्या चाहिए भला। मेरी तुमने दुखती रग पे हाथ रख दिया मैडम जी, वकील तो वो बन गया मिलोर्ड, लेकिन काबिल नहीं बना। हैं? क्यों? क्या वो केस हार जाता है? नहीं, हार तो नहीं जाता, हारेगा तो तब जब उसे केस लड़ना आएगा, वो केस लड़ना ही नहीं जानता। What do you mean? I mean, I will tell you what I mean. मैंने उसको अपना एक केस दिया। मैं कहा जा पुत्र केस लड़, वो प्रॉपर्टी का केस था, वो गया और केस के बाद घर आया आके कहता है पापा जी आप खुश हो जाओ, आपको बल्ले बल्ले करनी चाहिए, मैं केस जीत आया, केस निपटा आया। मैं क्या है, कहता पापा जी जो सालों साल आपने केस को लटका रखा था, मैंने एक ही चटके में आज उसका निपटारा कर दिया। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने सालों से जो केस लटका हुआ था उन्होंने झट से सुलझा दिया, आप उसे कोस रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए था। कैसी बातें कर रही है तू, तेरे को क्या समझ है, तेरे को क्या समझ है? ओए जो केस इतने सालों से मैंने लटका रखा था उसमें से कमा कमा के मैं कार चला रहा था, उसी केस की कमाई से मैंने अपने पुत्र को वकील बनाया, और आज वो मुर्गी जो सोने का अंडा देने वाली थी उसको एक ही चाटके में उसने खलास कर दिया। आपके बारे में बात करते हैं, ये बताइए कि आप किस तरह के केस लड़ते हैं? लड़ते हैं ओ जी, सारी तरह के लड़ते हैं। देखो मैडम जी, वैसे तो मुझे प्रॉपर्टी और तलाक के केस जो है ना जरा ज्यादा फायदेमंद लगते हैं, लेकिन जो मर्डर के केस होते हैं ना वो थोड़े से रिस्की होते हैं। दरअसल मैं आपको बताता हूँ कि मर्डर का केस रिस्की कैसे होता है, बहुत रिस्की होता है। देखो जी, मैंने एक मर्डर का केस लिया, उस बंदे ने दो दो मर्डर किए और वो रंगे हाथों पकड़ा गया, पकड़ा विद कलरफुल हैंड्स, और सारे सबूत सारे गवाह उसके बरखिलाफ। अच्छा। हाँ, मैंने कहा भाई मैं तो तुझे बचा लूंगा तो मुझे बड़ी मोटी फीस मिलेगी। भाई फिर क्या था, अगर मैं ना बचाता तो कोई बात नहीं, उसको फांसी मिलती या उम्र कैद। बिल्कुल। देखो जी, मैंने उसको बचा लिया और सारे गवाहों को तोड़ दिया और साफ साफ वो बंदा अदालत से बरी हो गया। तो फिर आपको तो मोटी रकम मिली होगी। नहीं, मोटी रकम मिली होगी, अरे कुछ नहीं मिला, तेला नहीं मिला, टका नहीं मिला, ठेंगा मिला। बाहर निकल के मुझे कहता है देखो मैंने दो दो मर्डर किए हैं, अगर तूने फीस मांगी तो तीसरा तेरा भी कर दूंगा। सिंह जी, कि आप प्रॉपर्टी और तलाक के केस ही अपने हाथ में लेना पसंद करते हैं, राइट? नहीं नहीं, बात दरअसल ये है मैडम जी कि जब हमने नई नई वकालत शुरू की थी तो तब तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, मेरा अपना कार भी बिक गया था। और मुझे जो सबसे पहला केस मिला था वो प्रॉपर्टी का ही मिला था। अच्छा। हाँ, फिर क्या जी, दरअसल एक बदकिस्मत मकान मालिक ने मुझे अपना मकान किराए पे दे दिया। और 1 साल के बाद उसने मकान खाली करने के लिए मुझे नोटिस भेज दिया। अच्छा। हाँ जी, फिर क्या जी,
आप फैल गए, चौड़े हो गए। हमने कहा नहीं जी, हम तो मकान खाली नहीं करते। बास जी फिर क्या था, उसने हम पे मुकदमा ठोक दिया और हमने भी मुकदमा लड़ लिया और जीत गए। अच्छा फिर? फिर क्या, आज हम उसी मकान के मालिक हैं और उस मकान का मालिक किसी किराए के मकान में रहता है। ऐसे बड़ा मैं कार का मालिक। तो अच्छा सुच्चा सिंह जी, अब जरा तलाक के मुकदमों के बारे में बताइए। यू ब्यूटीफुल लेडी, दरअसल तलाक के मुकदमे में एक कार तो उजड़ता ही है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, तलाक दरअसल होने ही नहीं चाहिए। क्या बोली, दोबारा बोली, दोबारा बोल। तलाक नहीं होने चाहिए? तलाक नहीं होना चाहिए, अगर तलाक नहीं होगा तो कार नहीं उजड़ेंगे, कार नहीं उजड़ेंगे तो हमारा कार कैसे चलेगा, समझी? मकान पर कब्जा करने के बाद मेरे पास एक तलाक का केस आया। अच्छा फिर? फिर इस तलाक के मुकदमे से मैंने कार का सामान और फर्नीचर बनाया। तलाक लेने वालों के घर से फर्नीचर निकलवा कर। तो सुच्चा सिंह जी ये बताइए कि क्या उम्र कैद से बड़ी भी कोई सजा होती है? ओहो, कोई क्या गल कर देती है कुड़िये, उम्र कैद से बड़ी सजा होती है? होती है, शादी करने के बाद उम्र कैद से भी बहुत बड़ी सजा होती है। ओके, यानी कि आप अपनी पत्नी से बहुत दुखी हैं। हाँ। तो तलाक ले लीजिए। ओए खबरदार, दिमाग खराब हो गया तेरा कुड़िये, दिमाग खराब हो गया तेरा है? ओए अपने तलाक का केस तो मैं लड़ लूंगा, पर मेरी जो बोटी है, बोटी समझती है, वैफ वैफ, वो भी तो कोई दूसरा वकील करेगी, और वो वकील मेरी बोटी का केस लड़के अपना घर संवारेगा। नो, बहुत हो गया तेरा इंटरव्यू, समझी नहीं? तेरे पे अब मैं केस करूंगा, तेरा नाम पता, मेरे को सब पता है, मैं जा रहा हूँ अदालत, मुझे बहुत सारे केस निपटाने हैं। हाँ जी, आपसे मिलके जी बहुत खुशी हुई, इससे बच के रहना। जाइए, और अब मुझे भी जाना है दोस्तों, अब मेरा जाने का वक्त हो चुका है। रूपी को इजाजत दीजिए, अगली बार आपसे यही मिलेंगे।